पुलिस के एक खुलासे से सनसनी फैल गई। पुलिस ने खुलासा करते हुए दावा किया कि मां ही बेटे की हत्यारी निकली। मां ने ही बदमाशों को सुपारी देकर मरवाया था अपने बेटे को। करीब 45 दिन बाद पुलिस ने तमाम कड़ियों को जोड़ा तो पता चला कि मां अपनी सारी चल अचल संपत्ति बेचकर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, जिसका बेटे ने विरोध किया था, जिस पर मां ने सुपारी देकर उसकी हत्या कर दी। अजगैन थाने में मृतक के मामा ताहिर ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मां समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस लाइन सभागार में खुलासा करते हुए प्रेमचंद्र अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने बताया कि अजगैन पुलिस ने मृतक के मामा ताहिर की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ खुलासा। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से अजमेर निवासी सलीम पठान नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने नदीम का कत्ल किए जाने की बात स्वीकार की है। पुलिस के द्वारा कड़ाई से की गई पूछताछ में सलीम पठान ने बताया कि अजमेर के रहने वाले हासम अली ने उसको सुपारी दी थी। जब और तफ्तीश हुई तो पता चला कि हासम अली मृतक नदीम की मां आरिफा का बहुत करीब है। पुलिस ने मां और हासम के रिश्तों को जोड़ते हुए गहराई से जांच में जुट गई। तब जांच में सामने आया कि मुख्य साजिशकर्ता आरिफा है। आरिफा ने ही हासम अली से बेटे की हत्या कराने को कहा था। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे सलीम और षड्यंत्र में शामिल हासम अली और मृतक नदीम की मां आरिफा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक हत्या ये नदीम थाना क्षेत्र में नदीम नाम के जो जिसकी उम्र 22 साल थी उसकी कर दी गई थी और उसकी लाश को कुएं में डाल दिया गया था। इसमें थाना अजमेर पुलिस द्वारा काफी प्रयास किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय का काफी निर्देशन रहा और सीओ हसनगंज श्री संतोष कुमार सिंह का भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। टीम लगाई गई, एम्बुलेंस टीम लगाई गई और थाने की पुलिस की टीम लगाई गई। इन टीमों ने जो है मोबाइल नंबर के आधार पर घटना का अनावरण करते हुए अजमेर निवासी एक सलीम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके बयानों से यह स्पष्ट हुआ कि इस हत्या को नदीम जो मृतक है उसकी मां आरिफा बेगम और उसके एक प्रेमी हासम अली जो अजमेर का निवासी है उसके द्वारा साजिश रच के कराई गई है। कारण यह था कि नदीम अपनी मां के प्रेम संबंधों से वाकिफ हो गया था। उसकी मां कानपुर नगर में जो भी मकान दुकान है उस प्रॉपर्टी को बेचकर वापस अजमेर जाकर बसना चाहती थी, लेकिन नदीम इसमें बाधक हो रहा था, जिस कारण नदीम की मां आयशा बेगम नदीम को रास्ते से हटाना चाहती थी और उसने अजमेर के निवासी एक पेशेवर हत्यारे को किराए पर दिया। 2.5 लाख रुपये में हत्या करने का मामला तय हुआ। 16 मई 2024 को सलीम आकर उन्नाव कानपुर नगर उन्नाव होते हुए रेकी किया था और उस समय यह घटना को अंजाम नहीं दे पाया था। बाद में 2 जून को फिर उसको बुलाया गया और उसको बुलाने में उसकी मां ने काफी सहयोग दिया और हासम अली जो अजमेर का निवासी है उसने सलीम को तय किया 2.5 लाख रुपये में और उसको 75,000 रुपये दिए गए थे। उसने 4 तारीख की रात में नदीम को कानपुर नगर परेड से ले जाकर देवा शरीफ बाराबंकी ले गया। वहां से फिर रात में 12 बजे दरबारी खेड़ा थाना रेंज क्षेत्र में आकर कुएं के पास उसने जो है सलीम को गालियां लाने के बहाने बैठाया और चाकू से उसके गला काट हत्या करके लाश को कुएं में डाल दिया। ये हत्या की साजिश में इसकी मां आरिफा बेगम और हासम अली का हाथ रहा।
अजमेर पुलिस द्वारा काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए, अच्छी मेहनत करते हुए, इनके परिश्रम के जरिए ये घटना विलन हत्या की खुली और अभियुक्तगढ़ सलीम और सलीम के जो साजिश में थे आसम अली और निकट की मां आरफा बेगम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। सलीम को कोई और अपराधी की गिरफ्तार है।